बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है आप सबके? उम्मीद करती हूँ सब ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे। अभी मुझे हंसी पता क्यों आ रही है? मैं फिर हाजिर हो गई हूँ शहरी में, और यही लग रहा था कि शायद चांद का ऐलान ना कर दे, क्योंकि अक्सर 11:30-12 बजे तक भी ये लोग ऐलान कर देते। तो हम लोग इसी कश्मकश में थे कि बस रोज़ा है या नहीं है, क्या होगा। तो लेकिन शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, आज 30वां रोज़ा है और मुझे बहुत 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 खुशी है कि एक और रोज़ा हमें मिल गया। तो अब तो कन्फर्म इंशाल्लाह रात को चांद रात ही होगी। और अभी टाइम क्या हो रहा है, 2:30 हुए हैं और हम लोग सारी रात के जागे हुए हैं आलियोर में। और मैंने देखा, जब चूल्हा जला के चलाया नहीं, मैंने ऐसे जैसे ऑन करके देखा, गैस की आवाज़ आ रही थी। मैंने कहा आलिया गैस आ रही है, फटाफट रोटियाँ बना ला। तो अभी आलिया पराठे बना रही है। और आज तारीख है 21 अप्रैल 2023। तो ठीक है, आज की सहरी देखते हैं क्या है। आलिया जल्दी जल्दी पराठे आ रही चलो लेके आती है, तो फिर देखने हैं। माशाल्लाह ये देखिए, ज़बरदस्त गर्मा गर्म पराठे, और फिर फ्लाइट जा रही है अभी जहाज़ की आवाज़ आ रही है। ये पराठे हैं माशाल्लाह, और ये इमरजेंसी आलू आलिया इमरजेंसी आलू मैं क्या इमरजेंसी आलू आना, हम तो यही ये 1:30 बजे पके ही आलू, क्योंकि वो इसीलिए मैं कह रही हूँ हंसी आ रही है इमरजेंसी आलू, क्योंकि इनका कोई पता नहीं होता किस वक्त ये ऐलान कर दे कि कल ईद है। तो मैं हमने कुछ भी नहीं बनाया हुआ था रात में सहरी के लिए। हमें अगर था कि चलो ईद होगी तो इंशाल्लाह फिर तो दूसरी चीज़ें बनेंगी, तो फिर जब होगा ऐलान तो आलू ही बनेंगे ये आलू है। और ये सड़क का टीवी नहीं है ना, तो ये देखे अब ये माशाल्लाह दही है, कितना मजेदार मलाइयों वाला जबरदस्त मैंने जमाया है। और ठीक है, ये मेरा बीच में अलार्म बोलने लगे, मैं बंद कर दूं। हाँ ठीक है, तो इंशाल्लाह आज की सहरी ये होगी। तो देखा आज की सहरी, जबरदस्त पराठे के साथ ये आलू बहुत जबरदस्त लगते हैं, ये पराठे के साथ इमरजेंसी आलू तो शुक्र है अभी एक ऐसी सब्जी है फटाफट दे विच कुछ समझ नहीं आए थे पक जाता। तो खैर, और ये कह रहा था कि 2023 की ये लास्ट सहरी है और बहुत 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 मिस करूंगी मैं सहरी को, और कि मैं डेली आपको बताती थी और आप लोगों ने माशाल्लाह इतना प्यार दिया, इतना प्यार दिया कि मैं बता नहीं सकती। और मुझे रोज़ ही खुशी होती थी कि मैं वीडियो डालूंगी और मुझे कमेंट्स आएंगे अच्छे अच्छे बहुत बहुत प्यार से आप लोगों ने मुझे कमेंट्स किए, उन सब का भी बहुत शुक्रिया। और क्या कहना, दिल मिस करूंगी मैं रमज़ान को, और इंशाल्लाह फिर ईद शाम में मिलते हैं अफ्तारी के टाइम। तो वो हमारी लास्ट अफ्तारी होगी, फिर किस्मत अगले साल किसको नसीब होते हैं रोज़े, बस अल्लाह ताला बेहतर करे, और वरना तो ये याद ही रह जाएंगी फिर ठीक है, एक और पराठा आया, ये देखिए पराठा रख रही। तो ठीक है, अब मुझे इजाज़त दीजिए, तो इंशाल्लाह ताला फिर शाम में मिलते हैं। हवा भी ठंडी ठंडी चल रही है, बहुत अच्छी प्यारी सी हवा चल रही है। तो ठीक है, अल्लाह हाफिज़।